किसान आंदोलन के चलते पिछले करीब 10 महीनों से बाबा भूमन शाह चौक से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास पर जाने वाले रास्तों पर लगाए गए बैरिकेड सब हटा दिए गए हैं। जनभावना को देखते हुए एडवोकेट महेश पारिक और एडवोकेट सुनील कुमार वर्मा ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की, जिसके चलते प्रदेश सरकार और एसपी सिरसा पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी हुआ था। 28 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को ही बैरिकेड्स हटा दिए। उधर अधिवक्ता महेश पारिक ने कहा कि हम इस मोर्चे पर कामयाब हुए हैं, जनभावना थी और लोगों को अब सुविधा से गुजरना पड़ रहा था। प्रशासन ने अदालत की ओर से जारी समन पर बैरिकेड्स हटाने का काम किया। अभी हम इस मोर्चे पे कामयाब हो गए हैं। ये एक बड़ी जनभावना थी, जनता को बड़ा एक तरह से असुविधा से गुजरना पड़ रहा था, तो प्रशासन ने चलो अदालत की तरफ से आए हुए समन के हिसाब से या वैसे पब्लिक की परेशानी को देखते हुए ये खोल दिया, तो ये पूरी जनभावनाओं का एक सैलाब था जो